न्यूज़ 22 मेरी शिकायत पर प्रतिक्रिया एफपीएम मोइंडिया पर उठाई गई, जिसे एनएमसी को भेजने के बजाय केवल उनकी ओर से निदेशक एमसीसी को स्थानांतरित कर दिया गया था। अब कह रहे हैं एनएमसी से संपर्क करें, यह नीट को स्थगित करने और समय पर काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में था। साल में दो बार नीट दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर मैंने इस मामले में जानकारी मांगने के लिए एनटीए को आरटीआई दायर की थी। इससे स्पष्ट तस्वीर मिलेगी एनटीए ने अब तक क्या किया है और उनकी भविष्य की योजनाएं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नीट यूजी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत कृपया निम्नलिखित प्रस्तुत करें। रिट याचिका पर दीवानी 12954/2021 दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि भविष्य के वर्षों में नीट यूजी के संबंध में रिट याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए। प्रतिवादी अपने विवेक से वहां पर उचित निर्णय ले सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की आदेश प्रति दस्तावेज अनुभाग में संलग्न है। आवेदक ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी रिट याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मान सकते हैं और बाद के वर्षों में नीटयूजी की कई बैठकों की व्यवस्था कर सकते हैं, यदि वे उचित समझें। एक, कृपया उपरोक्त प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी प्रदान करें। एनटीए ने वर्ष में दो बार या कई बैठकों में नीटयूजी लेने का कोई भी निर्णय लिया है? दो, कृपया वर्ष में दो बार नीटयूजी पर आयोजित बैठक का विवरण प्रदान करें और बैठकों के आने के बाद उपरोक्त जानकारी इस आरटीआई अनुरोध के साथ प्रदान की गई ईमेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी में दी जा सकती है। आपका ध्यान। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत दंड खंड के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सूचना प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक दिन के लिए ₹250 का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। यदि जानकारी गलत, अधूरी या दी गई है तो अधिकतम ₹25,000 है। भ्रामक दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया अनुरोध 20 जुलाई 2022 को सीपीआईओ को अग्रेषित किया गया।